कानपुर में कल्याणपुर क्रॉसिंग के पास एक दरोगा ने एक सब्जी वाले का तराजू बाट उठाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। तराजू को उठाने पहुंचा युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसके दोनों पैर कट गए। युवक की हालत काफी गंभीर है, उसे LLR अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशोर के भाई ने बताया कि शुक्रवार को युवक अन्य दुकानदारों के साथ बैठकर सब्जी बेच रहा था, तभी इंदिरा नगर चौकी में तैनात दरोगा ने दो सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए दुकानदारों को खदेड़ना शुरू कर दिया। युवक को सामान उठाने में देरी हुई, जिसके कारण दरोगा और सिपाही भड़क गए और उन्होंने तराजू ट्रैक पर फेंक दिया। घटना की सूचना पर TCP पश्चिम विजय ढुल भी मौके पर पहुंचे। ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम उसको इलाज कर रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पत्रिका.com के लिए संजना सिंह की रिपोर्ट।